रेस 3 मूवी को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। फाइनली इस मूवी में सलमान के बाद दूसरे एक्टर को सिलेक्ट कर लिया गया है और इसकी जानकारी खुद फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने दी है। और रेस 3 में जिस एक्टर का नाम सामने आया है वो है बॉबी देओल। जी हाँ, खुद सलमान खान ने बॉबी देओल को फिल्म के लिए सिलेक्ट किया है। सलमान खान रेस 3 में बॉबी को लेना चाहते थे और फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसके लिए हाँ कह दी है। बॉबी देओल हमें करीब 10 सालों बाद अब फाइनली किसी बड़ी मूवी में दिखेंगे। रेस और रेस 2 करीब 200 करोड़ की बजट वाली मूवी थी, लेकिन अब रेस 3 करीब 300 करोड़ की होगी और बॉबी देओल इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा सकते हैं। तो फाइनली रेस 3 में हमें सलमान, जैकलीन और बॉबी देओल दिखेंगे। इससे पहले फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य राय कपूर और इमरान हाशमी से भी बात हुई थी, लेकिन इन्होंने इस बेहतरीन मूवी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब फाइनली बॉबी देओल हमें रेस 3 में दिखेंगे। आपको रेस 3 में बॉबी देओल की एंट्री कैसी लगे हमें कमेंट जरूर करें। बॉलीवुड से जुड़ी और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।